सुप्रभात, मेरा नाम गौहर चोपड़ा है। मैं कक्षा 7वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आपका ध्यान वर्तमान समस्या की ओर ले जाने जा रही हूँ। वह समस्या जो किसी जाति, धर्म, समुदाय या देश की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की है। जी हाँ, मैं नोवल कोरोना वायरस की ही बात कर रही हूँ, जिसे WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने COVID-19 की संज्ञा दी है। कोरोना वायरस मानव की बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। वायरस के संक्रमण में जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ तक समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए यह वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इस वायरस के खिलाफ नहीं काम कर रहा कोई सेंस, इसलिए ही इसका एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंस। इस वायरस ने हमें घरों में कैद करके रख लिया है। अब मुझे पता चला कि जब हम पक्षियों को पिंजरों में कैद करते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा। इस वायरस ने हमारी आजादी हमसे छीन ली है। इस समय भारत में पीड़ितों की संख्या 28,000 के पार पहुंच चुकी है। थकना भी लाजमी था, खेलते पढ़ते कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ, आराम करते करते। अतः कोरोना का अर्थ है कोई भी रोड पर ना निकले। मैं अब आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर बताने जा रही हूँ, जो आपको कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा सकते हैं। ये कॉमन हेल्पलाइन, ये दिल्ली, ये गाजियाबाद, ये नोएडा और ये गुरुग्राम। धन्यवाद।